प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये सरकार थी, जैसे बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि आपकी बेस्ट इकोनॉमी, तो क्या करें। अच्छा, उन्होंने जैसे कहा कि इंडिया जो है सुपर पावर बन रहा है, ये बराक ओबामा के रिमार्क्स थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो ये जो चीज आपने कही कि पहले कोई बोलता नहीं था, तो 2014 से पहले ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्लिप भी हमने देखा, जिसमें वो कह रहे थे कि 2014 से पहले भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। भारती कहते थे क्या बेकार देश, क्या बेकार लोगों में हम आके फंस गया। तो सवाल ये पैदा होता है, 2014 से पहले क्या भारत के लोग भारत में खुश नहीं थे, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्हें बोलना नहीं आता था। 2014 के बाद ये सारी चीजें होने लग गई। आप कितने कब से इंडिया कंटेंट पे काम कर रही हैं शैला? मुझे तो हो गया कोई 1.5-2 साल होने वाले हैं। और इससे पहले तो आपने काफी होमवर्क किया होगा, तब ना अपना एक चैनल आपने क्रिएट किया होगा। विदाउट होमवर्क तो कोई चैनल क्रिएट नहीं कर सकता है। आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि आप इंडिया कंटेंट पर काम करें, तभी ना आपने किया। आप मुझे एक अचीवमेंट, 53 साल का, चलिए मनमोहन सिंह जी को छोड़ दीजिए, बेचारे वो तो पपेट बनकर रह गए थे, इसलिए देश के युवाओं ने उनका नाम मौन व्रत रख दिया था। आप गांधी परिवार का कोई एक अचीवमेंट बता दीजिए जो देश के हित में बहुत अच्छा रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी भारत के मुसलमान हैं, और पाकिस्तान तो खैर इस्लामिक देश है जो पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा देखता है, तो इनको गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी क्यों पसंद आती थी? इनको पसंद इसलिए आती थी क्योंकि नेहरू के जमाने में देश का बंटवारा होता था, अखंड भारत को तोड़ा जाता था, इंदिरा गांधी के जमाने में साधु स्लॉटर होता था, राजीव गांधी के जमाने में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और जेनोसाइड होता था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के साथ दीवाने आम और दीवाने खास और दस्तरखान बिछता था, दावतनामा होता था। राहुल बाबा जब से आए हैं तब से मुस्लिम लीग के प्रोपगंडा को इतना ज्यादा उन्होंने चर्चित में लाया है कि शरिया लॉ बनवाने की कोशिश में लग गए हैं, मुसलमानों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। अच्छा, उन मुसलमानों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं पढ़ने के लिए जो आए दिन लुंगी उठा उठा करके ये नारा लगाता है कि उनको मदरसे में पढ़ना है। अब जब देश का मुसलमान मदरसे में पढ़ना चाहता है तो राहुल बाबा स्कॉलरशिप देना किसको चाहते हैं? आप मुझे एक ऐसी घटना बता दीजिए, चलिए मोदी जी के सरकार में ही 10 सालों की एक ऐसी घटना बताइए जब मुसलमान बाहर आया है और रोड पर ये चिल्लाया है भारत देश का मुसलमान कि मुझे पढ़ना है, शिक्षित होना है, मुझे बाहर जाना है, विदेश से पढ़ करके आना है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनना है। आप मुझे बताइए कोई एक नारा आपने सुना है? लेकिन मदरसे का नारा और मदरसे पर मातम और मदरसे पे बिन बिन बरसात का मेंढक बनना और मुहर्रम से पहले मातम कर लेना, ये तो रोज आपने सुना होगा। कभी असदुद्दीन अवैसी बाहर निकलते हैं, कभी तौकीर बाहर निकलते हैं, कभी मदनी बाहर निकलते हैं, और कभी भारत देश का 80% मुसलमान रोड पर लुंगी उठा करके नाचता हुआ दिखाई देता है कि हमारे मदरसे पर बुलडोजर मत चलाओ, हमें मदरसे में ही पढ़ना है। तो भैया राहुल बाबा आप दे किसको रहे हैं स्कॉलरशिप, ये भी तो पहले बता दीजिए, पहले मुसलमानों से पूछ तो लीजिए कि वो वाकई में इंजीनियर डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब राहुल बाबा हिंदुओं का प्रॉपर्टी का सर्वे करवाना चाहते हैं, उनके मैनिफेस्टो में है भाई, वो सर्वे करवाना चाहते हैं, जाति जनगणना करवाना चाहते थे। पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन वो एक ही कहानी बकते रह गए, एक ही कहानी वो बोलते रह गए कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। तो भाई जो मुसलमान शिक्षित हैं वो तो ये कहेंगे ना कि अगर आपको हिंदुओं की जाति जनगणना करवानी है तो भारत देश में 72% मुसलमान का भी रहता है, उनका भी तो कास्ट सेंसस करवाइए। अब आती है बात ओबीसी सर्टिफिकेट, मैं पूरा कर देती हूँ। अब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आ रही है, मैं मानती हूँ कि ईडब्ल्यूएस
जो रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस की जो सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही हैं और यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज की जो सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन इस्लाम और अल कुरान के हिसाब से हम मुसलमान अदर बैकवर्ड कास्ट तो होते ही नहीं है, हम शेड्यूल कास्ट तो होते ही नहीं है, हम शेड्यूल ट्राइब्स तो होते ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ अदर बैकवर्ड कास्ट कौन है, आप मुझे बता दीजिए। आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं, हम मुसलमान हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ शेड्यूल कास्ट है क्या मुसलमानों में? नहीं नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स है क्या मुसलमानों में? नहीं भाई, हमें अगर कोई पूछ ले कि भाई आपके इस्लाम के मानने वालों में डोम कौन है, कुम्हार कौन है, चमार कौन है, तो थप्पड़ पड़ जाएगा। मुसलमान तो सीधा थप्पड़ रसीद कर देगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमको हजाम बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमको डोम बोलने की। तो जब हमारे में ओबीसी एससी एसटी है ही नहीं तो हम उसका रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं? या तो हम इस्लाम मान लें और या तो फिर हम सही से संविधान मान लें, दो में से कोई एक चीज हो। अब दूसरा मैं और फैक्ट आपके सामने रख देना चाहती हूँ कि इतने फतवे जारी होते हैं दारुल उलूम और देवबंद से मदनी साहब अपंग तरीके के, बेहुदा तरीके के फतवे भी जारी करते हैं। यहाँ तक के मदनी साहब दारुल उलूम देवबंद से ये भी फतवा जारी कर देते हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ सफर ना करें, सफर ना करें। उन्होंने यहाँ तक किसके साथ करे उनके साथ एक्चुअली यहाँ तक कि उन्होंने ये भी फतवा जारी कर दिया कि बेटी और बाप अकेले एक साथ घर में ना रहे और एक साथ दस्तरखान पर अकेले खाना ना खाए। ये भी हालात की नजाकत को देखते हुए उन्होंने सही फरमाया होगा। यहाँ पे एक सवाल मैं लूंगी, थोड़ा सा आपने इंटरव्यू का रुख बदल दिया, जैसे आपने मुसलमानों की फिनिश कर रही हूँ शैला, तो मेरा कहना है कि अगर इस्लाम में ओबीसी एससी एसटी जो राहुल बाबा दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर इस्लाम में है तो फतवा जारी कर दे मदनी, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? पहले फतवा तो जारी करें कि हमारे में भी ऊंची जाति और नीची जाति होती है। ठीक है, अब थोड़े दुनिया की खबरें लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेके अमेरिका सीए से अभी तक जो है नाखुश है और उन्होंने कहा कि ये भारत के अंदर सीए लाना मतलब कि भारत के अंदर भेदभाव करना है और कहीं ना कहीं जो है जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको बहुत ज्यादा खतरा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पहले ही कह दिया है कि वी डोंट वांट एंड वी डोंट नीड एनी इंटरफेरेंस। ये मेरे देश का मामला है और मेरा देश और मेरे देश के डिप्लोमेट, मेरे देश के गृह मंत्री, मेरे देश के फॉरेन मंत्री इतने कैपेबल हैं, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो यहाँ के मामलों को अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि इसी ड्यूरिंग इलेक्शन अभी 3 दिन पहले हमारे वेस्ट बंगाल में मोदी जी की मेगा रोड शो रैली थी और उस रोड शो रैली से कुछ लम्हा पहले हमारे पश्चिम बंगाल के 11 जो लोग बांग्लादेश से हिंदूज आए हुए थे, जो शरणार्थी आए हुए थे, जो यहाँ पर बिना आईडी के रह रहे थे, जो यहाँ पर बिना यहाँ के आइडेंटिफिकेशन के रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको भारत की नागरिकता दी गई है, भारत की नागरिकता दी गई है। और तकरीबन 150-200 से ऊपर पाकिस्तानी शरणार्थियों को और बांग्लादेशी हिंदुओं को हम लोगों ने दिया है, इसी ड्यूरिंग इलेक्शन हमने भारत की नागरिकता दे डाली। तो देखिए, जो बोलता है बोलने दे, मोदी जी अपना काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िल आई खान जी का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िल आई खान जी ने अपने पर्सनल व्यूज आपके सामने रखे, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत पे बल्कि चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी से लेके राहुल गांधी के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।